हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर क्राउन। आज हम बनाएंगे बाजरे की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। इसके लिए हमने सिर्फ तीन ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगा, तो इसको आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं बाजरे की स्नैक रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिए है 1.5 कप गुड़। ये मैंने ऑर्गेनिक गुड़ लिया है, आप कोई भी गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से पिघला लेंगे पानी में। तो मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 1/2 कप पानी और इसमें हम इस गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सही रेसिपी पता चले। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल आर क्राउन एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा पानी ठंडा होता है तब तक हम यहाँ पे लेंगे 2 कप बाजरे का आटा। आप किसी भी बाउल से भी इसको मेजर कर सकते हैं। ये ले लिया मैंने 2 कप आटा और साथ ही में मैं इसमें डालूंगी थोड़े से तिल। लगभग 3 चम्मच तिल मैंने इसमें डाले हैं, इससे और भी बढ़िया स्वाद आएगा। बाजरा सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, वेट लॉस के लिए भी इसकी बहुत मदद होती है और इस विंटर के सीज़न में इसको ज़रूर खाना चाहिए। और साथ ही मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच देसी घी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको घी का फ्लेवर पसंद नहीं तो आप ना डाले तो भी चलेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा गुड़ का पानी भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिलाते हुए हम इसका अच्छे से डो बना लेंगे। जैसे हम चपाती के लिए करते हैं उसी तरह से इसको अच्छे से गूंद लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए, एकदम से ना डालें। बाजरे के आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है, इसको अच्छे से सॉफ्ट बनाना है, तभी इसकी रोटी अच्छी बनती है। अब यह हमारा आटा रेडी हो गया है, इसको इस तरह से हम सॉफ्ट कर लेंगे। पिछले वीडियो में हमने बनाया है पालक पुलाव रेसिपी, उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको मालूम करनी है तो आप बाद में वहाँ से भी वो देख सकते हैं। तो अब हमारा ये आटा रेडी हो गया है, तो हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेते हैं इस तरह से। ये जो बाजरे के शक्कर पारे आज हम बना रहे हैं, ये ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत बढ़िया फूड है। ये पूरे 1 महीने तक ख़राब नहीं होता और वैसे के वैसे ही स्वादिष्ट लगता है। जब मैं स्कूल में जाती थी तो मेरे स्कूल की जब भी ट्रिप जाती थी तो मैं मेरे मम्मी को पहले यही रेसिपी बनाने के लिए बोलती थी। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से इस गोले को हम सॉफ्ट कर लेंगे और अब इसमें इसके लिए मैंने यूज़ किया है सूखा बाजरे का आटा। इस तरह से नीचे स्प्रेड कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर से लगाएंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा ही डालेंगे और इस तरह से धीरे धीरे इसको बेलेंगे। ये बाजरे की रोटी है, इसको पलटना नहीं है, नहीं तो ये मतलब टूट जाएगी। तो इस तरह से इसको धीरे धीरे से रोल करेंगे, या फिर आप जैसे बाजरे की रोटी बनाते हैं उस तरह से भी इसको बना सकते हैं। अभी हमारी रोटी हो गई है अच्छे से, तो इसको हम कट कर लेंगे। आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में इसको कट कर लीजिएगा। हमने इसमें नीचे थोड़ा सा आटा डाला है, इसलिए हमें इसको कट करने के बाद उठाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही आसानी से निकल आता है। अगर आप चाहे तो फॉइल पेपर पे या फिर बटर पेपर पे भी इसको रोटी को बेल सकते हैं, अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत हो रही है तो। अब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखिए डालते समय और एक एक करके इसमें ये हमारे शक्कर पारे डालेंगे हम। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे हम, क्योंकि हमें इसे अच्छे से डीप फ्राई करना है, इसको क्रिस्पी बनाना है। अगर हमने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया तो ये ऊपर से हो जाएंगे बट अंदर से सॉफ्ट रह जाएंगे। तो इस तरह से बाजरे के आटे के शक्कर पारे हमारे लगभग रेडी हो गए हैं। इसी तरह से सारे
रोटियां बेलकर हम सारे शक्कर पारे फ्राई कर लेंगे। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे इस शुक्रवार ऐसी ही और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू माई फ्रेंड।